नमस्कार, मैं मयूर गणपत, मुंबई तक मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मुंबई तक जो है वो आज आपके लिए ये लाइव ब्रॉडकास्ट लेके आ रहा है लालबाग राजा के पंडाल से। आप देख सकते हैं फिलहाल हम लालबाग राजा के पंडाल में है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ जो है वो उमड़ी है, क्योंकि आज पहला दिन है, गणेश चतुर्थी का दिन है। आज गणपति बाप्पा जो है वो हर किसी के घर में आते हैं। सार्वजनिक गणपति बाप्पा जो है उनके पंडाल आज शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये लालबाग राजा के पंडाल से हम आपको लाइव ब्रॉडकास्ट लाए हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ी है। हर कोई जो है वो पहले दिन लालबाग राजा के दर्शन के लिए यहाँ पे आए। तकरीबन 1,00,000 से भी ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पे पंडाल में आज उपस्थित है अभी इस वक्त। और 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी इतनी बड़ी लाइन जो है वो पंडाल के बाहर है। देख सकते हैं कि माहौल जो है वो बहुत ही भावपूर्ण ऐसा माहौल है। यहाँ पे लोग दूर दूर से यहाँ पे आए हैं लालबाग राजा के दर्शन के लिए। लोग यहाँ पे आते हैं, लोग अपने मन में जो है वो एक मनोकामना लेके आते हैं और वो पूरी हो ऐसी हमेशा उनकी इच्छा रहती है। और जब कभी ये पूरी होती है तो उसके बाद फिर से एक बार लोग जो है लालबाग राजा के आभार मानने या उसे धन्यवाद देने जो है वो आते हैं। देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो लालबाग राजा की ये सुंदर ऐसी मूर्ति है जो पूरी तरह से सजी हुई है, जिसको आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो उनके यहाँ पे आके जो है वो माथा अपना टिका रहे हैं और उनसे यही मनोकामना कर रहे हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो कि उनके मन में इच्छा है वो पूरी हो जाए और जल्द से जल्द पूरी हो जाए। ये हम आपको दिखा रहे हैं स्टेज का इलाका है, लेकिन लालबाग राजा का जो पंडाल है वो पूरी तरह से कितना सजे देखिए। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक अगर आप देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भीड़ उमड़ रही है। लोग ही लोग आपको दिखेंगे। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये सिर्फ मुख्य दर्शन की लाइन है, यानी ये दूर से ही दर्शन करेंगे बापा के। और इनको जो है बापा के दर्शन के लिए तकरीबन 2.5 से 3 घंटा उनको रुकना पड़ता है। 2.5 से 3 घंटे दूर, 2.5 से 3 घंटे उनको पंडाल के बाहर रुकना पड़ा था, क्योंकि इतनी बड़ी लाइन है। जैसे मैंने कहा कि लालबाग राजा के दर्शन के लिए जो है लोग दूर दूर से आते हैं, कल्याण हो, बोरीवली हो, नवी मुंबई हो, या फिर जैसे इससे पहले भी कुछ लोगों से मैंने बातचीत की थी, वो लोग जो थे वो आए थे लालबाग राजा के दर्शन के लिए कच्छ से और भूज से, यानी गुजरात से भी लोग यहाँ पे आते हैं। और अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे लोग जो है वो बापा के दर्शन के लिए आते हैं। आज पहला दिन है, बहुत लोग ये मानते हैं कि जो भी मनोकामना लालबाग राजा से की जाती है या जो भी मनोकामना वो लालबाग राजा के सामने करते हैं, लालबाग राजा उन्हें कभी भी नाराज़ नहीं करते और उनकी हर मनोकामना जो है वो लालबाग के राजा पूरा करते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी जो है वो यहाँ पे आते हैं, सचिन तेंदुलकर हो या फिर हम कहें कि मुकेश अम्बानी हो, अमिताभ बच्चन हो, अभिषेक बच्चन हो, बहुत से सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे हर साल आते हैं और लालबाग राजा के दर्शन जो है वो लेते हैं और उनके मन में जो इच्छा है, मनोकामना है, वो भी वो पूरी करते हैं। तो लालबाग राजा की अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों से जो है वो लालबाग राजा यहाँ पे लालबाग के इस पूरे इलाके में जो है वो हम कहें कि सबसे ज़्यादा लोग जो है वो लालबाग राजा के दर्शन के लिए आते हैं। जैसे मैंने कहा था कि लोगों का मानना है कि वो उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। अगर हम बात करें भीड़ की तो जी हाँ, यहाँ पे 3 अलग अलग प्रकार की लाइन है। एक जो है ये आम लोगों के लिए मुख्य दर्शन की लाइन है, जहाँ पे लोग दूर से ही बापा के दर्शन करते हैं। मेरे अगर हम बाएं हाथ देखें तो यहाँ पे ये वीआईपी की लाइन है कि जो लोग पास धारक हैं, जिनको पासेस मिले हैं, तो वो लोग यहाँ से आते हैं और इनको भी जो है वो इतने जल्दी दर्शन मिलते नहीं, क्योंकि लाइन इतनी बड़ी रहती है तो उनको भी रुकना पड़ता है। यहाँ पे मंडल के कार्यकर्ता जो है वो उनको पूरी तरह से मैनेज करते हैं और एक एक को छोड़ते ताकि हर किसी को अच्छी तरह से दर्शन मिले। और मेरे अगर दाहिने हाथ आप देखें तो यहाँ पे जो है वो फिर से एक बार नॉर्मल लोगों की यानी आम आदमी की जो लाइन है वो ये है। जो लोग इस लाइन में खड़े हैं वो तकरीबन हर रोज़ 3 से 4 घंटा यहाँ बिताते हैं और 3 से 4 घंटे के बाद जो है वो कहीं ना कहीं उनका नंबर लगता है।
डेढ़ दिन के गणपति जो है वो भी आज आएंगे और उनका परसों जो है वो विसर्जन होगा। उसके बाद भीड़ जो है वो ज़्यादा उगेगी और गौरी गणपति के विसर्जन के बाद यानी 5 और 7 दिन के गणपति के 5 दिन के गणपति के बाद जो है वो और ज़्यादा भीड़ यहाँ पे उगेगी। सुबह से हम जब लोगों से बात करते लोगों ने यही कहा था कि वो तकरीबन सुबह 3 बजे 4 बजे से जो है वो लालबाग राजा के दर्शन के लिए लाइन में खड़े हैं, इसी लाइन में जहाँ पे सामान्य आदमी खड़ा है। तो लोग 3 या 4 बजे से सुबह से यहाँ पे खड़े और कहीं ना कहीं लोगों की जो श्रद्धा है लालबाग राजा के प्रति, लोगों को जो लालबाग राजा के प्रति एक प्यार है, उसी वजह से जो है वो लोग यहाँ पे रखते हैं। हमारे साथ सुधीर सालवी भी है जो लालबाग राजा की सेक्रेटरी है। आइए बात करते हैं, जान लेते हैं सुधीर सालवी जी से कि किस प्रकार से इस बार जो है वो उन्होंने मैनेजमेंट की है और ये जो नई एक टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे, जो पीछे पीछे जो एक नई टेक्नोलॉजी उन्होंने इस बार इस्तेमाल की है। ये बात करते हैं सुधीर जी आपसे, तो सुधीर जो है उनसे हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन इस प्रकार से जो एक टेक्नोलॉजी इन्होंने इस्तेमाल की आप देख सकते हैं कि ये एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल की है कि जिस पर यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 3D टेक्नोलॉजी की तरह यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया है, जहाँ पे लालबाग राजा को वंदन करने के लिए 2 हाथी है और जो लालबाग राजा का जो मूर्ति है वहाँ से जो है वो एक झरना बह रहा है, ऐसी एक टेक्नोलॉजी। और अगर हम यहाँ के डेकोरेशन की बात करें तो एक जंगल का डेकोरेशन दिया, क्योंकि इस बार जो है वो इनकी कंसेप्ट जो है वो इको फ्रेंडली ऐसी कंसेप्ट है इनकी, तो पर्यावरण का कोई भी नुकसान ना हो, पर्यावरण हमेशा अच्छा रहे, यही इस बार मैसेज जो है वो देने। आइए बात करते सुधीर जी से बात करते हैं और जान लेते हैं। सुधीर जी, इस बार पर्यावरण आपका एक थीम है कि पर्यावरण की थीम है कि पर्यावरण का कोई नुकसान ना हो, पर्यावरण अच्छा रहे, ये थीम आप लोगों ने कैसी सोची, क्या क्या मोटिव था इसके पीछे? ना अभी तो यही चल रहा है कि पर्यावरण रहना चाहिए। आज आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जगह पे पर्यावरण ना होने के कारण क्या हो रहा है, आज दुनिया में इतने सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, तो पर्यावरण रहना चाहिए। आज पानी की कमतरता होती है, कभी सूखा आ जाता है, कभी बहुत सारी चीज़ें होती है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है, ये सब रहेगा तो मानव जनजीवन चलता रहेगा। दूसरी बात आपका जानना है कि लालबाग राजा जो है सिर्फ 10 दिनों तक ये लिमिटेड नहीं रहता उत्सव, आपके लालबाग राजा का जो ट्रस्ट है उसके माध्यम से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मदद की जाती है, खास करके जो रुग्ण है उनको, उसके बारे में अगर आप बता पाए तो। लालबाग का राजा के दान पेटी में आप देख सकते हैं कि करोड़ों की रुपए की तादाद आती है और कम से कम गहने और सोना चांदी गहने वस्त्र अलंकार बहुत सारे आते हैं, उसकी भी नीलामी होती है और जो पैसा आता है लालबाग के राजा के दान पेटी में वो सब भाविकों के लिए, ऐसे ऐसे हम लोग सामाजिक उपक्रम चलाते हैं। आज हमारा एक बहुत बड़ा डायलिसिस सेंटर है जहाँ 24 बेड है और 100 रुपये में हम डायलिसिस करते हैं, साल में 40,000 डायलिसिस करते हैं, बहुत सारी बड़ी हमारी बुक बैंक्स है, रुग्ण निधि योजना है जहाँ KEM नायर टाटा वाड़िया ऐसे अस्पताल में छोटी 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 मोटी जो शस्त्रक्रिया होती है उसके लिए हम 10% हर शस्त्रक्रिया पे देते हैं और बहुत सारे हमारे सामाजिक उपक्रम हैं। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने 6 अगस्त 2017 को एक बहुत बड़ा मेगा ब्लड कैंप किया था, उसमें 15,248 बॉटल होगी। अभी हम 3 महीने के बाद हर 3 महीने बाद में एक नेवी के लिए सैनिकों के लिए हर महीने बाद एक ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ करते हैं, UPSC IAS IPS के सेमिनार हर 3 महीने बाद हम लोग करते हैं, तो समाज के प्रति 365 दिन हमारा काम चालू रहता है। आखिरी सवाल पूछूंगा क्योंकि मुझे पता है बहुत व्यस्त है, ये जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसमें आप दिखा रहे हैं कि हाथी आ रहा है बापा को वंदन कर रहा है, फिर वहाँ पे शेर दिखाई दे रहा है, झरना दिखाई दे रहा है, ये क्या टेक्नोलॉजी है और क्या क्यों ऐसे करने का सोचा कि इस बार अलग कुछ करते हैं, ये अलग का कहाँ से आया आपको सोच? ये मंडल के सब लड़के लोगों ने मिलकर सोचा है, एक ऑगमेंटेड रियलिटी करके ये एक खासियत है और आज देख सकते हैं कि इतना अच्छा यहाँ नज़ारा दिख रहा है कि बापा आज जंगल में विराजमान हुए लालबाग के राजा, आप देख सकते हैं कि बापा जंगल में विराजमान है और यही खासियत है। हम लोग चाहते हैं कि लोग आए देखें और घर घर में मैसेज जाए कि एनवायरनमेंट रहना जरूरी है, जंगल रहना जरूरी है, तो ही जीवन बना रहेगा। सुधीर जी बात करने के लिए, तो सुधीर सालवी मंडल के सेक्रेटरी है और कई सालों से जो है वो लालबाग राजा का यह व्यवस्थापन जो है वो यहाँ पे संभाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि खुद जो है वो आज पहले दिन यहाँ पे ये सुधीर यहाँ पे खड़े हैं और भीड़ को कंट्रोल करना, लोगों को छोड़ना, हर किसी को वो देख रहे हैं और वही नहीं लालबाग राजा के सामान्य से सामान्य जो कार्यकर्ता है मंडल का वो भी यही देखता है कि लोगों को कैसे दर्शन मिले और कितने आसानी से मिले। आपसे जानना चाहेंगे आप लालबाग में कितने साल से हैं, कितने साल से आप लालबाग में रह रहे हैं?
मैं लालबाग में, मेरा 55वां साल है। क्या क्या भावना रहती है लालबाग राजा जब मंडल में पंडाल में आते हैं तो? इधर हमारा जन्म हुआ है, हमारा भाग्य है, हमको लालबाग राजा का सेवा करने को मिलता है। 10 दिन आप पूरे यही सेवा करते हैं? यही। 10 के 10 दिन जो है वो लालबाग राजा के जितने भी कार्यकर्ता है वो यहाँ पे सेवा करते हैं मंडल की, और उनका कहीं ना कहीं ये मानना है कि लालबाग राजा जो है वो जब पंडाल में आते हैं, जब लालबाग मार्केट में यहाँ पे आते हैं तो एक खुशी का माहौल रहता है और पूरे एक साल जो है वो माहौल ऐसा ही रहता है। हम जिसे कहते हैं ना कि अब हम ये सिर्फ लालबाग के लोग ही नहीं, हर मुंबईकर, हर वो व्यक्ति जो लालबाग राजा हो या फिर गणपति बाप्पा का भक्त है, वो एक साल तक रुकता है अपने बाप्पा की राह देखते हुए। तो एक साल का समय जो है वो हर भक्त जो है वो बाप्पा की यादों में बिताता है, और एक साल के बाद जब जब ये 10 दिन का उत्सव शुरू होता है तो 10ों दिन जो है वो बहुत ही श्रद्धापूर्ण भक्ति भाव से जो है वो ये लोग सेवा करते हैं गणपति बाप्पा की, क्योंकि 10 दिन जो है वो इनके लिए, उनका कहना यही है कि 10 दिन भी कम है उनके लिए, लेकिन 10 दिन बाप्पा जब विराजमान होते हैं लालबाग के इस मार्केट में हो या फिर किसी के भी घर में गणपति बाप्पा जब विराजमान होते हैं तो 10ों दिन इनको जो है वो सेवा करने का मौका मिलता है अपने गणपति बाप्पा का। लालबाग मार्केट की अगर हम बात करें तो सबसे एक अहम बात बताना चाहेंगे कि लालबाग मार्केट में जो है वो खास करके इसे मसाला मार्केट कहा जाता है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो है वो मसाले मिलते हैं, और 10 के 10 दिन लालबाग मार्केट पूरी तरह से बंद रहता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो गली आपको दिखाई दे रही है, ये गली जो है ये गली नहीं, ये दोनों तरफ इसके जो है वो दुकानें हैं, और 10ों के 10ों दिन जो है ये दुकानें बंद रहती है, क्योंकि इन दुकानों में काम करने वाला हर एक व्यक्ति, इन दुकानों के मालिक या इस पूरे गली लालबाग मार्केट में काम करने वाला हर एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पे गणपति बाप्पा की सेवा में रहता है 2400 घंटे, अगर हम कहें तो 24/7 जिसे कहते हैं, तो 24 घंटे जो है वो यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन के लिए आते हैं। जैसे आपने सुना सुधीर बता रहे कि धीरे धीरे जो है वो लोगों को छोड़िए, उनको जो है वो दर्शन करने लीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है यहाँ पे बापा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आया है, कोई कांदिवली से आया है, कोई नवी मुंबई वाशी से आया है, कोई पनवेल से आया है, तो कई सारे लोग जो है वो गुजरात से भी आए हैं, तो हर किसी को जो है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से 2 सेकंड हो 5 सेकंड हो गणपति बाप्पा को अपने दिल में उतारने के लिए लगते हैं, और उसी को लेके लोग जो है और वो यहाँ पे आते। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है हर एक भक्त का कि उन्हें अच्छी तरीके से दर्शन मिले, वो जाके अपना माथा जो है लालबाग राजा के पैर पे टिका सके, यही भावना है इसके पीछे, और इसी को लेके यहाँ पे व्यवस्थापन किया जाता है। तकरीबन हम कहें कि 1000 से भी ज़्यादा इनके जो व्यवस्थापक है, हम कहें कि कार्यकर्ता जो है वो 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग शिफ्ट में लोग जो है वो यहाँ पे काम करते हैं। लोगों का दिखाना सिर्फ, लोगों को बताना सिर्फ इतना ही रहता है कि अगर उन्हें कोई भी दिक्कत आई तो ये कार्यकर्ता वहाँ पे हमेशा रहता है, 2400 घंटे रहता है, और उनका सिर्फ काम यही है कि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा जो है वो ना हो, और हर किसी को लालबाग राजा के दर्शन जो है वो करने मिले। आप देख सकते हैं, हम फिर से एक बार मेरे कैमरा से मंगेश आमले जो है आपको दिखा रहे हैं कि लोगों की जो भीड़ उमड़ रही है लालबाग राजा को लेके, वो किस प्रकार से यहाँ पे उमड़ रही है, और ये भीड़ जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। आज तकरीबन सुबह 3 बजे से लोग यहाँ पे थे, लेकिन आज से जो लाइन शुरू होगी वो ऐसे ही लाइन बड़ी बड़ी होते जाएगी, और जब आखिरी दिन होगा, गणेश विसर्जन का जब दिन होगा, तब यहाँ से बाप्पा जब अपने गांव जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि गणपति बाप्पा जो है वो 10 दिन के बाद फिर से अपने गाँव चले जाते हैं, तो हर कोई उपस्थित व्यक्ति जो है उसकी आँखें उतनी ही नम रहती है, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं उन 10 दिन इस पूरे उत्सव के 10 दिनों की यादें एक साथ आती है उनके, और उनके पास शब्द नहीं रहते हैं, और कहीं ना कहीं दुख इस चीज़ का रहता है कि गणपति बाप्पा अब 10 दिन के बाद जो है वो अपने घर वापस जाएंगे। लेकिन आज पहला दिन है, पहले दिन आप देख सकते हैं कि भीड़ बहुत ही ज़्यादा उमड़ी है यहाँ पे, और ऐसे ही भीड़ उमड़ती जाएगी। लोग जो है वो यहाँ पे कहते हैं कि अपनी मनोकामना बताने के लिए आते हैं, क्योंकि लालबाग राजा के बारे में अगर हम कहें कि लालबाग राजा जो है वो हर किसी की मनोकामना पूरी करता है, हर जो व्यक्ति यहाँ पे आता है लालबाग राजा के चरणों में अपना सर रखता है,
उसकी मनोकामना लालबाग राजा जो है वो पूरी करते हैं, ऐसा कहना है। तो इसी को, इसी वजह से जो है वो बहुत से लोग आते हैं। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे प्रसाद चढ़ा रहे हैं, नारियल हो या फिर फूल हो या फिर गणपति बाप्पा को अच्छे लगने वाले मोदक हो, तो ये गणपति बाप्पा को वो अर्पण करते हैं। और कहीं ना कहीं गणपति बाप्पा के प्रति जो अपना प्यार है, अपनी भक्ति है, वो जाहिर करते हैं। आप देख सकते हैं कि गणपति बाप्पा के ये दर्शन हम आपको करा रहे हैं। मुंबई तक जो है वो पूरे 10 दिन गणपति बाप्पा, अलग अलग मुंबई के गणपति बाप्पा जो रहेंगे, जो सार्वजनिक गणपति है, उसके दर्शन आपको कराता ही रहेगा। लेकिन लालबाग राजा की तरफ से आज, या लालबाग राजा के पंडाल में जो है हम आज, और यहाँ से हम आपको जो है वो लाइव कर रहे हैं। और फिर से एक बार जाते जाते आपको दिखाना चाहेंगे कि लालबाग राजा में किस, लालबाग राजा के पंडाल में किस प्रकार का आज माहौल है। पहला दिन है गणपति का, बहुत से लोग जो है उनके घर में भी गणपति आते हैं, इस वजह से अगर किसी को लगता है कि यहाँ पे भीड़ कम है तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे लोग जो है वो कच्छ, भूज और गुजरात से लेके, पनवेल से लेके, बहुत सी दूर से ऐसे जगहों से आए हैं और भीड़ यहाँ पे बहुत है, क्योंकि लोग जो है वो बाप्पा के दर्शन के लिए आए हैं। एक मन में जो है उनके आस है कि बाप्पा के दर्शन से पुण्य मिले, और इस बाप्पा के दर्शन करने के बाद जो उनके एक चेहरे पे खुशी होती है, एक मन में प्रसन्नता होती है, वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। तो लालबाग राजा के दृश्य के साथ हम आज आपसे अलविदा लेंगे। मेरे कैमरा पर्सन मंगेश जो है वो फिर से एक बार आपको लालबाग राजा के ये जो क्लोजअप दृश्य है वो आपको दिखाएंगे, कि हर कोई जो है वो सिर्फ बाप्पा के दर्शन के लिए यहाँ पे आता है। 10 दिनों का ये उत्सव रहता है, जिसके लिए हर भाविक जो है वो एक साल तक जो है वो और बाप्पा की राह देखता है। तो एक साल तक राह देखते हैं लोग, और एक साल के बाद ये जब मौका भाविकों को मिलता है, भक्तों को मिलता है, तो ऐसे ही भीड़ उमड़ेगी। मैं एक बार फिर से चाहूंगा मंगेश, अगर आप हमारे दर्शकों को लालबाग राजा के दृश्य दिखाए तो ये है लालबाग राजा, और मुंबई तक पर हम जो है वो लालबाग राजा और मुंबई के जितने भी गणपति हैं उनके लाइव दृश्य आपको दिखाते ही रहेंगे, वहाँ से लाइव ब्रॉडकास्टिंग हम करते रहेंगे। लेकिन आज पहला दिन है और मुंबई का सबसे फेवरेट बापा जिसे कहा जाता है वो है लालबाग सा राजा। तो लालबाग राजा के पंडाल से मुंबई तक आपके लिए ये दृश्य लेके आया है लाइव। मैं मयूरेश गणपति फिलहाल साइन ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार जरूर मिलेंगे दूसरे किसी पंडाल से ऐसे ही।